सिर्फ सच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुए बवाल के बाद एक बार फिर गुरुवार सुबह विवादित भूमि पर मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर एक दूसरे पर पथराव कर दिया। घटना को पुलिस नियंत्रित नहीं कर पाई, जिसके बाद मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तराना तहसील के मकड़ौन का है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। यहां एक पक्ष चाहता है कि सरदार पटेल की मूर्ति लगे तो दूसरा पक्ष चाहता है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। इधर विवादित भूमि पर विवाद से एक रात पहले सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी गई, जिसके बाद सुबह 6 बजे मालवीय समाज के लोग ट्रैक्टर से मूर्ति तोड़ने पहुंच गए। मूर्ति तोड़ने के दौरान एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जनवरी यानी गुरुवार की सुबह जब दूसरे पक्ष के लोगों ने सरदार पटेल की मूर्ति को लगे देखा तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी, जिसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर से सरदार पटेल की मूर्ति को धक्का मारकर गिरा दिया, जिसकी जानकारी इस पक्ष के लोगों को लगी तो विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। काफी देर तक बवाल जारी रहा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीच बचाव में आई पुलिस के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं रही। जानकारी के अनुसार मकड़ौन मंडी गेट और बस स्टैंड के पास सरकारी जमीन खाली पड़ी है, जहां मालवी समाज चाहता है कि इस जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगे, जबकि पाटीदार समाज चाहता है कि वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगे। इस बीच 24 जनवरी की रात पाटीदार समाज ने वहां सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी, जिसकी खबर गुरुवार सुबह मालवी समाज को लगी तो ट्रैक्टर से सरदार पटेल की मूर्ति को गिरा दिया गया, जिसके बाद हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में हुई। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला। फिलहाल मामले में SP ने थाना प्रभारी भीम सिंह देवड़ा को निलंबित कर दिया है।